मैं रमेश सबरवाल रेजिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड श्री रितेश शर्मा जी बैठे हैं, उनके आगे श्री विकास शर्मा जी एडवोकेट हैं, मेरे राइट साइड पर एडवोकेट रघु मेहता जी हैं, उसके आगे प्रोफेसर अशोक गुप्ता जी मेरे साथ बैठे हैं। आज का कार्यक्रम जो है आपने आपको कष्ट दिया है इसलिए कि एक हम बहुत बड़ा कार्यक्रम 24 जुलाई को यहाँ गुलशन ग्राउंड में करने वाले हैं। उस कार्यक्रम का जो निमित्त है ये जो अभी देश भर में 75 इयर्स अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने भी इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा है। उसके साथ साथ ये कारगिल वार जो हुई थी जिसमें हमने विक्ट्री हासिल की थी वो 26 जुलाई को वो दिन पड़ता है, उसको प्री पोन हमने कर लिया और संडे को जो 24 जुलाई है तो ये दोनों उत्सव जो है उनको हम इस निमित्त से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि जो 1975 से आज तक 75 इयर्स में हमारे जम्मू कश्मीर के डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स ऑफिसर्स और जो इंटरनल पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं जैसे पुलिस है सीआरपीएफ है तो इन सब के इस 75 साल में जो शहीद हुए हैं बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर तो उनकी फैमिली जो है उनकी फैमिलीज़ को यहाँ गुलशन ग्राउंड में 24 तारीख को बुलाकर हम उनका सम्मान करने वाले हैं, उन शहीदों को नमन करने वाले हैं और उनके परिवारों को सम्मानित करने वाले हैं। ये हमारा कार्यक्रम जो है 24 जुलाई का गुलशन ग्राउंड पे होने वाला है, तो उसका समय हमने 10:30 बजे रखा हुआ है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को अच्छी तरह इसका प्रसारण करेंगे और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है इस प्रोग्राम की कि हमारे तेजस्वी अपने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी वो इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी कागज दे दी है, वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। उसके अतिरिक्त ये माननीय दत्तात्रेय जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह मीन्स जनरल सेक्रेटरी है वो मेन स्पीकर के नाते इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और मतलब है कि हजारों की तादाद में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं वो उनकी फैमिली जो है उनके जो आगे पीढ़ी है वो लोग जो है वो आएंगे और इट विल बी ए वेरी बिग इवेंट। अभी आपने देखा पीछे आपने ये 8 मई को एक कार्यक्रम किया था वुमेन कॉलेज में, तो उस मतलब के स्टेटस का उस मतलब के अपने पोटेंशियल का और इसमें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं तो डिफेंस मिनिस्टर और ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का भाग है तो ये तो हम तो देख रहे हैं कि 1947 से ही इस ये संघर्षरत रहा है इस पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, तो इस प्रकार से वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो हमको बहुत बड़ा इसमें उत्साह मिल रहा है। हम बहुत बड़े मतलब खुश हैं इस कार्यक्रम को करने में और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ को मैसेज जाएगा कि ये प्रोग्राम हो रहा है ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और हम उनको सम्मान दे सकें, ऐसा ये प्रोग्राम है। एंड सेट होता है जो व्यू होता है जिस स्पिरिट से अपने देश की ये लोग रक्षा करते हैं और
अपनी जहाँ तक रिशावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस बैकग्राउंड में हमारे मीडिया वालों को इस प्रोग्राम के निमित्त जो है वो अपनी भावना जो है वो प्रकट करें, ताकि लोगों तक जो जिनके ये हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप उनको रिप्रेजेंट। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा सेवानिवृत्त, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि रमेश जी ने कहा है कि एक बहुत ही बड़ा और भव्य फंक्शन 24 जुलाई को यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि जितने भी हमारे शहीद हैं, जो कि हमारे 47 से पहले से लेकर अभी तक, और उनको हम श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवारों को सम्मान देंगे। मुझे रामधारी दिनकर की एक कविता के पंक्तियां याद आ रही हैं, पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी के बीच में ये जो फंक्शन है ये आयोजित किया जा रहा है, और इसको आयोजन करने के लिए जम्मू कश्मीर फोरम, वो समाज और बाकी संस्थाएं भी जुड़ के इसको हम लोग कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जैसे मैंने कहा कि ये श्रद्धांजलि है उनको जिन्होंने कुर्बानियां दी, ये सम्मान है उनको जिनके जो जिनको वो छोड़ के पीछे चले गए, जो परिवार यहाँ पर हैं, जो हमारी वीर नारी हैं, विधवाएं हैं, जो जो उनके बच्चे हैं, उन सभी के लिए सम्मान के लिए है। और इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है कि देश के रक्षा मंत्री जिन्होंने कि एक मिनट भी नहीं लगाया जब उनको कहा गया कि आप यहाँ पर आएंगे और आकर क्या आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया। तो ये है स्पिरिट, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।